एक जेंट्स ने मेरे को बोला कि आपका बैग आपके ऊपर गिर रहा है तो मैं नीचे रख दूँ क्या? तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने बोला नहीं कि नहीं गिर रहा, रहने दो। उन्होंने बोला मेरे को वापस कि आपके ऊपर गिर जाएगा, बच्चे के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है आप नीचे रख दो। तो उन्होंने मेरा बैग लेके नीचे रख दिया और चार लोग ऐसे खड़े थे और मेरा बैग उनके पैरों में पड़ा था। रोडवेज बस में ब्यावर से अजमेर आ रही महिला के बैग से 13 तोले सोने के आभूषण चोरी। सिविलाइन थाना अंतर्गत महिला को इंटरनेट कॉल के जरिए मिली धमकी। पीड़ित महिला ने सिविलाइन थाने में दर्ज कराया मुकदमा। ब्यावर से शादी समारोह में शामिल होकर अजमेर आ रहे यात्री के बैग से सहयात्री बनकर शातिर बदमाशों ने 13 तोले सोने के आभूषण, 600 रुपये नकदी और आई कार्ड चुरा लिया। जयपुर डिपो की रोडवेज बस में यात्रा कर रही ललिता रावल ने बताया कि वह शादी समारोह में शामिल होकर ब्यावर से अपने चाचा के यहाँ से अजमेर आ रहे थे। रोडवेज बस की सीट पर बैठे हुए थे। सीट के ऊपर ही लगेज कैरियर पर उनका बैग रखा हुआ था। बस की गैलरी में चार लोग खड़े थे जिन्होंने कहा कि बैग आपके ऊपर गिर जाएगा, तो उन्होंने बैग उठाकर हमें दे दिया। हमने बैग अपने पैरों के नीचे रख लिया तो वे लोग बैग के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। इसी बीच उन्होंने शातिराना ढंग से आभूषण चुरा लिए। इसके बाद सिविल लाइन्स थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मैम कहाँ से आ रहे थे और क्या वारदात हुई आपके साथ? हम ब्यावर से यहाँ अजमेर आ रहे थे शादी से, तो फिर मैंने मेरा बैग मेरे बैठी थी उसी सीट के ऊपर रखा था, उसके अंदर मेरा गहने थे, एक पैसों से भरा पैसे का बैग था। अच्छा। और चार लोग गैलरी में खड़े थे, हम सीटों सीट सब बैठे थे लोग, और वहाँ से हम अजमेर आए। 10 मिनट का रास्ता बचा था अजमेर का। फिर एक जेंट्स ने मेरे को बोला कि आपका बैग आपके ऊपर गिर रहा है तो मैं नीचे रख दूँ क्या? तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने बोला नहीं कि नहीं गिर रहा है, रहने दो। तो उन्होंने बोला मेरे को वापस कि आपके ऊपर गिर जाएगा, बच्चे के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है आप नीचे रख दो। तो उन्होंने मेरा बैग लेके नीचे रख दिया और चार लोग ऐसे खड़े थे और मेरे बैग उनके पैरों में पड़ा था, और वो लोग मतलब मेरे बैग मैं देख रही थी मेरा बैग पड़ा है, और मेरे ननंद पास में बैठे थे, मेरी चाची बैठी थी पास में, सब हम उस बैग पे नज़र रखे थे। बैग पड़ा है, वो चारों लोग एक साथ ऐसे ऐसे मतलब हो गए, मेरे को मतलब बैग को जैसे पूरा अपने पैरों पे डाल के छुपा दिया, और वो सब फिर मैंने 2 मिनट के अंदर मैंने वापस मेरा बैग ले लिया। क्या क्या चोरी हुआ उसमें से? उसमें मेरे एक सोने की टूसी थी, एक आर्ड थी, एक रकड़ी सेट था, और पूंछे थी हाथ की। और कैश कितना था? कैश तो ज़्यादा नहीं था, 500-600 रुपये था, और मेरा कुछ आईडी कार्ड वगैरह सा कुछ था। लगभग कितने का सामान था पूरा? सामान मेरा 13 तोला आराम 13-14 तोला था। कहाँ के निवासी हैं? नरसिंह वासनी की हूँ, पियर है मेरा, और सोजत रोड मेरा ससुराल है। अजमेर कहाँ, किसके पास? अजमेर मेरे चाचा अंकल के पास वैशाली में। आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। शादी में किसके यहाँ गए थे? मेरे ननंद के, काकी ससुर की ननंद की लड़की, ससुराल में। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ करा दिया, कल कराया इसी में। वहीं सिविल लाइन्स थाने के सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि थाने पर परिवादी महिला द्वारा एक मुकदमा आईपीसी की धारा 384, 385 और 504 में दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे इंटरनेट कॉल के जरिए ऐलानिया धमकियां दी गई हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जी सर, क्या मामला है, कैसे दर्ज है? कोई एक महिला को धमकी दी गई है टेलीफोन से, इंटरनेट कॉल से, जिस पर थाना मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मुकदमा 384, 385, 504 IPC में दर्ज किया गया। कौन अधिकारी है? महिला है, महिला का नाम नहीं बता सकते।